नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कन्या लग्न की कुंडली के अंदर मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसे देखा जाता है। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 18 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 6 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये कन्या लग्न की कुंडली है। पहला नियम, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर सुख स्थान के अंदर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, सुखाधिपति गुरु सप्तम भाव के अंदर स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख और प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, सुखाधिपति गुरु 11वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, सुखाधिपति गुरु प्रथम भाव के अंदर उच्च के बुद्ध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, बुद्ध उच्च राशि में बलवान होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और दूसरा, पहले भाव के अंदर गुरु दिग्बली होता है और बुद्ध भी दिग्बली होता है तो ऐसे व्यक्ति को बुद्ध और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सुखाधिपति गुरु 2वें भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो यहां पे 2 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, शुक्र स्वगृही होकर बैठा है और दूसरा भाव गुरु का कारक भाव माना गया है तो ऐसे व्यक्ति को गुरु और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सुखाधिपति गुरु 2वें भाव के अंदर उच्च के शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को गुरु और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख और जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, सुखाधिपति गुरु 3वें भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, सुखाधिपति गुरु 7वें भाव के अंदर उच्च के शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और शुक्र उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही नसीबदार जीवन साथी मिलता है और विवाह के बाद जब भी गुरु और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। नौवां नियम, सुखाधिपति गुरु 9वें भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला,
शुक्र स्वगृही होकर बैठा है और दूसरा नवम भाव गुरु का कारक भाव माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु और शुक्र इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। दसवां नियम, सुखाधिपति गुरु नवम भाव के अंदर उच्च के चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गज के श्रीयोग नामक राजयोग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं और ऐसे व्यक्ति को चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। ग्यारहवां नियम, सुखाधिपति गुरु दसम भाव के अंदर स्वगृही बुद्ध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे बुद्ध स्वगृही होकर भद्र योग नामक राजयोग बनाता है और दसवां भाव गुरु का कारक भाव माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति को बुद्ध और गुरु इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। बारहवां नियम, सुखाधिपति गुरु ग्यारहवें भाव के अंदर स्वगृही चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके गज के श्री योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। तेरहवां नियम, भाग्याधिपति शुक्र और लग्नाधिपति बुध की शुभ युति चतुर्थ भाव में होती हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। चौदहवां नियम, लग्नेश बुध और सुखेश गुरु ये दोनों ग्रहों की युति भाग्य स्थान में होती हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे परिवर्तन योग के बारे में। पहले और चौथे भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। उसके बाद दूसरे और चौथे भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी बहुत अच्छा मकान और वाहन का सुख प्राप्त होता है। चौथे और ग्यारहवें भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन योग होता हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख और वाहन सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे, तो सुनिए। सुखाधिपति गुरु पंचम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होता हो तो ऐसे व्यक्ति को मकान और वाहन सुख में देरी या विघ्न आते हैं। दूसरा, सुखाधिपति गुरु राहु के साथ चंडाल योग बना के छठवें आठवें या बारहवें भाव में पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान और वाहन सुख में विघ्न आते हैं या देरी होती है। तीसरा, सुखाधिपति गुरु नवमांस में नीच का होता हो, षडबल में बलहीन होता हो, मृत अवस्था में हो, अस्त का हो, या फिर चौथे भाव के अंदर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण अंगारक योग विष योग शापित योग चंडाल योग नाम के अशुभ योग बनते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख और वाहन सुख में विघ्न आते हैं, देरी होती है या फिर उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रिय दर्शकों, जमीन जायदाद वाहन ये सबका भगवान कौन है? कुबेर है। तो अगर कोई प्रकार का प्रॉब्लम हो तो ऐसे लोगों को कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा, वास्तु पुरुष मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। तीसरा, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए हमें कोई तीर्थ में जाकर जैसे कि हरिद्वार प्रयाग त्रंबकेश्वर ऐसे कोई तीर्थ में जाके हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करनी चाहिए। तो उनके आशीर्वाद से हमारे को मकान सुख अच्छा प्राप्त होता है, ये भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।